हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल कोचिंग। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर, और आप सभी के लिए सिविल कोच। आज का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम देखने जा रहे हैं कैसे पीडीएफ की फाइल ऑटो कैड में ला सकते हैं। कोई सी भी आपकी ड्रॉइंग है, जैसे आपको कहीं आर्किटेक्ट के द्वारा मिली किसी की बिल्डिंग का पुराना ड्रॉइंग है, उसको आपको डिजाइन करना है, फिर उसे मॉडिफाई करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, आज ये जानेंगे पूरा। आइए देखते हैं आगे। जैसे कि एक क्लाइंट की एक पुरानी ड्राइंग थी, इसी को मुझे मॉडिफाई करना था। ये उसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का घर था, मुझे उसको आगे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर डिजाइन करना था। तब मैं ये फिर से ऑटोकैड में बनाऊं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उतना टाइम मैं इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता। आप ऑटोकैड ओपन करें, क्लिक और ड्रैग करके भी यहां ला सकते हैं। अब कहीं पीडीएफ में पेजेस होते हैं तो ये पूछता है कि कितने पेजेस का, कौन से पेज का आपको ऑटोकैड में लाना है। तो यहां पर 1 लिखा हुआ है, एक ही पेज की ड्राइंग है, एंटर कर दिए। अब ये इसका पूछ रहा है कि कहाँ पर लाना है, मतलब इसकी ओरिजिन पॉइंट कौन सी होनी चाहिए। तो मैं अभी 0 0 दे देता हूँ तो सेंटर में ही आ जाएगा। अब उसके बाद पूछता है इसका स्केलिंग क्या होना चाहिए। तो अभी आप रेंडमली स्केल कर सकते हैं, मतलब कुछ में भी एंटर कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है उसका रोटेशन कैसा रखना है, मतलब उसको कितना रोटेट करना है। अभी इसमें भी चिंता नहीं करो, जितना है उतने में एंटर कर दिए। अब यहाँ पर ड्राइंग आ गई है, थोड़ा सा जूम करके देखें, ये अपनी ड्राइंग आ गई। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का कमांड आर ओ एंटर। अब ये ड्राइंग आ गई है, आप देख रहे होंगे ये ड्राइंग पूरी एक ही है। मैं इसको मूव भी करूंगा तो पूरा एक बार में मूव हो रहा है। मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ जितना प्लान है उतना चाहिए। तो इसके लिए एक और अच्छा तरीका है, इसको यहाँ से डिलीट कीजिए। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में पीडीएफ इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। ये पीडीएफ इंपोर्ट का ऑप्शन थोड़ा सा आजू बाजू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑटोकैड वर्जन। इसमें क्लिक किए, आपकी फाइल जहां पर भी है वहां पर जाए, उसके बाद उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन में क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो चीजें पूछेगा कि आपको किस टाइप का रखना है, कि लेयर पीडीएफ की होनी चाहिए या फिर वो अपने हिसाब से बना ले। कहीं वो ऑटोकैड की ड्राइंग है जो कि मतलब पहले ऑटोकैड की ड्राइंग थी, उससे पीडीएफ बनाया गया है, तो उसको यूज पीडीएफ लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पीडीएफ में भी लेयर टाइप में सेव होता है, वो हमें नहीं दिखता जब अपन लोग पीडीएफ यूज करते हैं। कहीं वो कोई और ड्राइंग है तो आप क्रिएट ऑब्जेक्ट लेयर में कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से लेयर्स भी बना देगा। अब उसकी स्केलिंग क्या करना है, अभी स्केलिंग मैंने जैसे लास्ट केस में भी बोला था, स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है, स्केलिंग में 1 रहने दो। ओरिएंटेशन भी अभी चेंज मत करो, आप आगे जाके ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, वैसे भी ये ओरिएंटेशन सही है। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है, इम्पोर्ट एस ब्लॉक, मतलब ये पूरा एक ही ब्लॉक के जैसा चाहिए, नहीं तो हरदम ध्यान रखेंगे यहाँ पर अनटिक रहेंगे, और ओके पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, वो पूरे पीडीएफ को रीड करता है, उसके हिसाब से पूरा बनाता है, वो पूरा आर्किटेक्चरल ड्राइंग आपको बना के दे दिया। अब इसमें आपको जो चेंजेस करना है, बेडरूम का नाम, बेडरूम का साइज, जिस हिसाब से चेंज करना है आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे पीडीएफ पूरा लेयर्स में बन गया, टेक्स्ट के लिए अलग लेयर दे दिया, जो सॉलिड पोर्शन वॉल है उसके लिए अलग दे दिया, इस तरह से वो अपने आप लेयर बना लिया। अब इसमें यूनिट देखते हैं, यूएन एंटर करेंगे पहले। ये यूनिट क्या होगी, जो आपके ऑटोकैड की यूनिट है उसको सेट कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप में गए आर्किटेक्चर, प्रिसीजन, अपने हिसाब से आपको जितना प्रिसाइज करना है उतना प्रिसाइज में गए। और यहाँ पर ध्यान देंगे मेरी ड्राइंग फीट में थी, मुझे भी फीट में चाहिए तो यहाँ फीट में सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर मेजरमेंट चेक करता हूँ मैं, इसका मेजरमेंट 53 फीट तो नहीं है, तो अब इसको 53 फीट बनाने के लिए हमें स्केल कमांड का यूज करना पड़ता है। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ऑर्थो ऑन कर लीजिए। जैसे मुझे पता है ये 53 फीट का है, तो यहां पर एक और लाइन मैं बना देता हूँ 53 फीट की। एक लाइन बना दिया मैं 53 फीट की। अब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ कि इसकी जो बाउंड्री थी, आउटर बाउंड्री, वो 53 फुट की थी, तो एक 53 फीट की लाइन खींच दिया। ये दोनों इक्वल होना चाहिए था, तो मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा, SC Enter क्या होता है, आपका शॉर्टकट होता है स्केल कमांड का। इसमें सबसे पहले बेस पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, दोनों का सेम है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्केल करना है, परंतु उसका स्केल फैक्टर मुझे पता नहीं है। ये पता है कि ये 53 की लाइन इतनी बड़ी होनी चाहिए थी, तो इसके लिए SC Enter जैसी की है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है रेफरेंस पे क्लिक करेंगे या फिर R Enter करेंगे। मैं रेफरेंस पे क्लिक किया, रेफरेंस क्या है, आपकी ये जो 53 की लाइन थी
जो आउटर बाउंड्री की ड्राइंग थी वो एक्चुअल में कितनी बड़ी होनी चाहिए थी? इतनी बड़ी। अब आपकी ड्राइंग स्केल हो गई, जैसी आपको ड्राइंग चाहिए थी, मतलब जितना उसकी कॉलम विड्थ हर एक रूम का जो साइज लिखा है उतना आ गया। इसको मूव कर लेते हैं, ओरिजिन के पास ले आते हैं वापस। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये 50 फीट की बाउंड्री दिखा रहा है, डायमेंशन में गए। देखें ये 50 फीट की बन गई। इस तरह से आपको पता चलता है कि आपने जो भी स्केल किया था वो सही हुआ। इस तरह से कुछ भी फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और फाइल मैं इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इसको डिलीट किया, फिर इंसर्ट में गया, इंसर्ट पीडीएफ में गया, डोज को लेके आते हैं, ओपन। अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है मुझे गलत है, तो यहाँ पर रोटेट कर सकता हूँ। ये पूरी ड्राइंग रोटेट हो जाएगी कितने 270 डिग्री से। ओके कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटेट गलत हो गया तो हम ड्राइंग को बाद में भी रोटेट कर सकते हैं। पूरे को सिलेक्ट किए, रोटेट पे क्लिक किए, आर ओ एंटर, कोई सा भी पॉइंट में क्लिक किए और रोटेट कर दिए, तो आपके पूरे डोर विंडो बन गए। अब देखते हैं इनका डायमेंशन कहीं सही आया है कि नहीं आया। ये 4 फीट का है, नहीं आया। ये 4 फीट की थी, आपकी डायमेंशन 4 फीट में नहीं आया है। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ या फिर कॉपी कर लेता हूँ, जिससे मुझे अलग से समझ में आते रहे। ये 4 फीट होना चाहिए था, एक लाइन खींच देता हूँ मैं 4 फीट की। एक लाइन हो गई है 4 फीट की। पूरे को सिलेक्ट किया, स्केल SC एंटर, यहाँ पर क्लिक किया। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना रहता है, R एंटर। ये इतना 4 फीट होना चाहिए था, इसको सिलेक्ट किए, ये आपका 4 फीट बन गया। जो एक्स्ट्रा पोर्शन था मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ये आपकी ड्राइंग रेडी हो गई पूरी। ड्राइंग आप देख सकते हैं ये 4 फीट का हो गया, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 7 फीट का होना चाहिए। ये 7 फीट का हुआ तो हमारा स्केलिंग सही हुआ। इस तरह से कोई से भी पीडीएफ को, कोई से भी ड्राइंग को हम ऑटोकैड में ला सकते हैं। ये हमारा बहुत टाइम सेव होता है। कभी भी आपको 3D एलिवेशन बनाना है उसका, कहीं उसी ड्राइंग में मॉडिफाई करना है या फिर उसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में लेके जाना है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि हम उसको जल्दी से जल्दी पीडीएफ को ऑटोकैड में बना लें, उसके बाद उसके आगे प्रोसीड करें। आपको लग रहा होगा कि ये आपकी हेल्पफुल वीडियो है, आपको कुछ काम आ सकता है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी कंटेंट को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, और भी इसी तरह के वीडियो लाते रहूंगा कि जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ।